हेलो एवरीवन, आज हम बनाने जा रहे हैं चीज़ टोमेटो। इसमें हमने कोई भी खड़ा मसाला, गरम मसाला यूज़ नहीं किया है। इसे हमने बहुत ही बेसिक से इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाया है। बहुत ही सिंपल और इजी सी रेसिपी है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए, इसे बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए पहले वो देख लेते हैं। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए पनीर, फ्रेश क्रीम या मलाई, प्याज, टमाटर, अदरक लहसुन, हरी मिर्ची, हरा धनिया, नमक और हल्दी। बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं, आसानी से सभी के किचन में मिल जाती हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। पहले पैन में तेल गरम करेंगे और उसमें प्याज डाल देंगे। इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे और साथ ही हम इसमें डाल देंगे अदरक और लहसुन, हरी मिर्ची। सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिलाएंगे। 2 मिनट के लिए इसे अच्छे से पकाएंगे। अच्छे से चलाते रहिए, कहीं आपका मसाला जल ना जाए। देखिए, अब जब हमारी प्याज हल्की सी ब्राउन कलर की हो गई है तो हम इसमें डाल देंगे टमाटर और सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिलाएंगे। अच्छे से मिलाते हुए अब इसको हम ढक देंगे एक लिड के साथ और 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। देखिए, टमाटर हल्के से पक चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया और सभी कुछ अच्छे से मिलाते हुए फिर से हम इसको ढककर 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। हमारा मसाला पक के रेडी हो चुका है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसे एक जार में ट्रांसफ़र करेंगे और इसका एक अच्छा सा पेस्ट रेडी कर लेंगे। अब एक पैन लेंगे और उसमें फिर से थोड़ा सा तेल गरम करेंगे और उसमें डाल देंगे हल्दी। हल्दी पक चुकी है। अब हम इसमें रेडी किया हुआ पेस्ट डालेंगे और इसे अच्छे से मिलाते हुए पकाएंगे। देखिए, ये कुछ ऐसा दिख रहा है। साथ ही हम इसमें डाल देंगे नमक। नमक को अच्छे से मिलाएंगे और मसाले को चलाते हुए 3 से 4 मिनट के लिए पकने देंगे। देखिए, इसे ऐसे ही चलाते रहिए और पकाते रहिए। मसाला 3 से 4 मिनट हो गई इसे पकते हुए और अब ये पक के रेडी हो चुका है। इसने तेल भी छोड़ दिया है। कितना अच्छा कलर आया है देखिएगा। इस डिश पर अगर हमें इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी गाढ़ी लग रही है तो हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और साथ ही डाल देंगे मलाई या फिर फ्रेश क्रीम, आपके पास जो भी अवेलेबल है आप वो यूज़ कर सकते हैं। इसे अच्छे से मिलाते रहिए। देखिए, कितनी अच्छी ग्रेवी रेडी हुई है। इस ग्रेवी को ढककर 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे। ग्रेवी पककर ऑलमोस्ट रेडी है। इसमें हम डाल देंगे पनीर और उसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर यहाँ आपको लगता है कि ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी है तो हम अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा पानी डाल के कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे ढककर 3 से 4 मिनट के लिए फिर से पकाएंगे। चीज़ टमाटो पक के रेडी है। हल्का सा ठंडा होके ये कुछ ऐसा दिखता है। इसे आप रोटी के साथ, चावल के साथ जैसे चाहे खा सकते हैं। इसमें कोई भी ज़्यादा तीखे मसाले यूज़ नहीं किए गए हैं, तो ये बहुत ही हेल्दी भी होता है, न्यूट्रिशियस भी होता है और टेस्टी भी होता है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फॉलो कीजिए। थैंक यू।